उनकी कोई व्यक्तिगत कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं और आप जान लीजिए कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पहले भी तो कितना मूवमेंट करते रहते हैं। सब लोगों की इच्छा थी, ये इतना काम करते रहे हैं शुरू से कि सबकी इच्छा थी कि इस बार इनको मौका मिलना चाहिए। राज्यसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू की तरफ से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार अनिल हेगड़े ने गुरुवार को नामांकन किया। अनिल हेगड़े के नामांकन में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के कई नेता विधानसभा पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि अनिल हेगड़े निर्विरोध ही चुन लिए जाएंगे। गुरुवार को नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अनिल हेगड़े की उम्मीदवारी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने क्या कुछ कहा है सुनिए। हम सब लोगों के उम्मीदवार हैं और बड़ी खुशी है, जब से ये उम्मीदवार बने हैं तब से सारे जगहों पर सब लोगों को बहुत प्रसन्नता आई है और शुरू से ही ये काम करते रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ बहुत ही बचपन से ही अपना काम करते रहे हैं तो, और हम लोगों के साथ एक बहुत संबंध है और हमेशा कभी किसी चीज़ के लिए इन्होंने आज तक इच्छा नहीं प्रकट की कि हमको कुछ मिलना चाहिए। इनको कोई इच्छा कभी कुछ नहीं प्रकट की, सब दिन काम करते रहे। जॉर्ज साहब मिले थे, फिर हम सब लोग उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे थे, वो नहीं रहे तो भी और जब भी लगातार ये पार्टी के लिए ही काम करते रहे। तो इस बार हम लोगों के मन में सब लोगों का आपस में बैठ कर के बातचीत किए, सबके मन में ये बात थी कि भाई इनको एक अवसर मिलना चाहिए, तो वही हम लोगों ने किया तो फिर अभी ये आए हैं। लेकिन इनकी कोई व्यक्तिगत कोई ख्वाहिश नहीं थी, ये लगातार काम करने वाले व्यक्ति हैं और आप जान लीजिए कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पहले भी तो कितना मूवमेंट करते रहते थे, यंग एज में भी जितना ये आंदोलन करते रहे थे और काम करते रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है और सब लोगों का सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, इसीलिए उम्मीदवार के रूप में बड़ी खुशी की बात है। और कभी जब इच्छा करे तो आप लोग इनसे बतिया की खाली मेरा व्यक्तिगत सब लोगों की इच्छा थी, ये इतना काम करते रहे हैं शुरू से कि सबकी इच्छा थी कि इस बार इनको मौका मिलना चाहिए। रेगुलर वाला कुछ दिन के बाद होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 30 मई को मतदान कराने का फैसला लिया और आज नामांकन का अंतिम दिन है। 23 मई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। 30 मई को सुबह 9 बजे से 4 बजे शाम तक मतदान होना है और उसी दिन शाम 5 बजे तक वोटों की गिनती कर दी जाएगी। हालांकि अनिल हेगड़े का निर्विरोध चुना जाना तय है। दरअसल अनिल हेगड़े पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 31 सालों से जुड़े हुए हैं। 12 साल से पटना जेडीयू कार्यालय में उनका आवास रहा है। अनिल हेगड़े के चयन करने से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशी है। निर्वाचित होने के बाद अनिल हेगड़े का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक होने वाला है। अनिल हेगड़े लंबे समय तक जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी रहे और 38 सालों तक लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाई। दंगल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के विरोध में 5,150 दिनों तक लगातार दिल्ली में प्रतीकात्मक विरोध कार्यक्रम आयोजित करते रहे। वे 1994 से 2008 तक जॉर्ज फर्नांडिस के खास रहे। पार्टी के प्रस्ताव बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा करती थी। अनिल हेगड़े पिछले 12 सालों से पटना के जेडीयू कार्यालय में ही रहते हैं। सादगी के लिए कार्यकर्ताओं के बीच उनकी खास पहचान है। हेगड़े की गिनती ऐसे नेताओं में होती है जिन्हें कभी किसी पद का लोभ रहा ही नहीं। जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने कभी भी किसी पद की मांग की ही नहीं है। वे पार्टी के निर्वाचन अधिकारी के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। तो वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें।